सिस इन जीएसएम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेली सर्विसेज और बियरर सर्विसेज के अलावा जीएसएम प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जब भी सप्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनमें कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि यूज़र्स को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, तो इन सप्लीमेंट्री सर्विसेज में जो सर्विसेज सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो वेरी करते हैं प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर, यानी कि हर प्रोवाइडर अपने हिसाब से अलग अलग सप्लीमेंट्री सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, टिपिकल सप्लीमेंट्री सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की कराए जाते हैं वो होते हैं यूज़र आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो भी इनकमिंग या फिर आउटगोइंग कॉल है उस कॉल के दौरान कौन सा यूज़र कॉल कर रहा है, उस यूज़र का जो सब्सक्राइब नंबर है वो कौन सा नंबर है, ये डिस्प्ले हो सकता है। उस यूज़र का जो टेलीकॉम सर्कल है वो डिस्प्ले हो सकता है। उस यूज़र का यदि कोई सोशल नेम है जो कि सोशल मीडिया पे स्टोर है वो डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री सर्विस है वो होता है कॉल रीडायरेक्शन। देखिए, कॉल रीडायरेक्शन का मतलब आजकल के लैंग्वेज में कॉल फॉरवर्डिंग भी होता है, यानी कि आप चाहें तो अपने कॉल्स को किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, कॉल रीडायरेक्शन और कॉल फॉरवर्डिंग थोड़ा सा अलग अलग है। रीडायरेक्शन में क्या होगा कि कॉल जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी भी रैंडम नंबर पे। कॉल फॉरवर्डिंग में आप चाहें तो किसी स्पेसिफाइड नंबर पे भी कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बैरिंग ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स। आप चाहें तो आउटगोइंग कॉल्स को या इनकमिंग कॉल्स को किसी स्पेसिफिक नंबर के लिए बंद कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक करना। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल्स को अपने मोबाइल्स के लिए भी शफल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एडवाइस ऑफ चार्ज, यानी कि जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको कुछ चार्ज पे कुछ एडवाइसेस प्रोवाइड कराता है, यानी कि कुछ फैसिलिटी सब प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सपोज SMS, कॉलर ट्यून, ठीक है, या फिर न्यूज़, तो ये सारे आएंगे एडवाइसेस ऑफ चार्ज में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी होते हैं जो कि यूज़ होते हैं स्टैंडर्ड ISDN नेटवर्क पे, जैसे कि क्लोज्ड यूज़र ग्रुप। आप एक यूज़र ग्रुप बना के उस पर उस यूज़र ग्रुप के अंदर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप मल्टी पार्टी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल ग्रुप्स में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे सर्विसेज जो आते हैं वो आते हैं सप्लीमेंट्री सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं।